बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है। उनसे 3 दिन में इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने की दशा में अधिवक्ता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर हैंडल पर विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन का एक लोगो अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी में इंडिया लिखे शब्दों के बीच में अशोक चक्र को प्रदर्शित किया गया था। बीजेपी समर्थित वकील का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल इस चिन्ह को अपने व्यक्तिगत लोगों पर प्रदर्शन और अन्य कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक है और इसको लेकर के बीजेपी के पदाधिकारी और वकील अवधेश तोमर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा एक दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी, विपक्षी दलों के कई एक गठबंधन बनाया गया था। उसमें उन्होंने एक अपना लोगो INC की वेबसाइट ट्विटर से एक लोगो जारी किया था INDIA। उस पर उन्होंने जो हमारा जो इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र लगता है उसका उपयोग किया गया था, जबकि कानून ये कहता है कि उसका उपयोग ऐसे नहीं कर सकते। उनका पार्टी का कोई लोगो था, पार्टी की अलायंस की मीटिंग में जो भी लोगों ने निर्धारित किया उस पर राष्ट्रीय ध्वज का जो उन्होंने वो लगाया वो गलत था। इस बात को लेकर मैंने नोटिस दिया है और मांग किया 3 दिन के अंदर देश से माफ़ी मांगे, दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करवाएं हमसे गलती हुई है, और नोटिस प्राप्त होने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से जो अशोक चक्र लगा हुआ जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है उसको तत्काल हटाया जाए, ऐसा न करने के पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।